मैं आपको दिखा देता हूँ, मास्क लगाकर ये मंदिर में प्रवेश करें, 2 गज दूरी सब गाइडलाइन। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं निकाय में, लकीर बाबा जी के हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं निकाय वाले पीर बाबा जी के हैं, आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों यहाँ की बहुत मान्यता है निकाय वाले पीर बाबा जी, जो कि ऊना में पढ़ते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ऊना से मतलब 6 किलोमीटर राउंड अबाउट पढ़ते हैं साइड पे। तो दोस्तों देखो मार्केट भी लगी हुई है, हालांकि अभी संगत सुबह के टाइम थोड़ी कम है, बाकी आप देख सकते हैं मार्केट में प्रसाद वगैरह जो भी मतलब बाबा जी के लिए चद्दर वगैरह लेनी हो तो सब अवेलेबल हो जाता है रास्ते पे। तो दोस्तों सभी आइटम्स यहाँ बच्चों के लिए सब मिल जाता है, अभी शुरू हो ही रहा है जस्ट, क्योंकि सुबह का टाइम है दोस्तों और सुबह के लगभग 9:15 का टाइम हो चुका है। तो मिठाइयाँ वगैरह सब आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों ये ज़रूरी सूचना मैं आपको दिखा देता हूँ, मास्क लगाकर ये मंदिर में प्रवेश करें, 2 गज दूरी सब गाइडलाइन यहाँ की है, अभी वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं। दोस्तों भीड़ ठीक ठाक ही है, मतलब ज़्यादा भी नहीं कह सकते और कम भी नहीं कह सकते, क्योंकि सुबह का टाइम है दोस्तों, सुबह सुबह मतलब हम तो चलो उठ जाते हैं, पर लेकिन सबका हम कह नहीं सकते, बाकी लोग अपना आए हुए हैं बाबा जी के दर्शन करने। तो देखो दोस्तों लाइन में लगे हुए हैं, मैं सामने आपको दिखाना चाहूँगा सामने का दृश्य। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जब भी मतलब यहाँ मेला लगता है तो भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो इन ये रो देख सकते हैं आप, तो इनसे होके गुजरना पड़ता है दर्शन करने के लिए। अभी जैसे कि मतलब आप लगा सकते हैं अंदाज़ा, भी इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि यहाँ मेले के टाइम ही ज़्यादा होता है, तो अभी इतनी भीड़ नहीं है, तो हम सीधे ही बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो देख सकते हो दोस्तों सभी अपना चद्दर वगैरह चढ़ाने के लिए लगे हुए हैं बाबा जी के स्थान पे। दोस्तों यहाँ का देखना बाबा जी के,
करके भी मत दिखाइए भाई। अंदर तो क्लास में बच्चे जो मर्जी कर लेना कुछ देख सकते हो दोस्त। ये दोस्तों सच्ची सरकार 11वीं सरकार आप देख सकते हैं वीडियो में। जय माता दी। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।